हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। जी मैथ के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर पर, दिस साइट कांट बी रीच्ड। मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, हम चलते हैं छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, और वहाँ देखते हैं क्या हो रहा है अभी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने सीजी व्यापम ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ ओपन कर लिया है और चलते हैं उस लिंक पर जहाँ से सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं ब्लू कलर में लिंक दिया गया है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2019 पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ, ठीक इस तरह का एक शो होता है आपके डिस्प्ले पर, दिस साइट कांट बी रीच। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरह के कोई भर्ती में स्टे लगा है, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी यकीन न करें, कुछ लोग बहुत घबरा रहे हैं कि कहीं स्टे ना लग गया हो, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अगर स्टे लगता या लगेगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में ही उसको आपको एक पत्र के माध्यम से आपको बताएगा कि स्टे लग रही है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से अचानक से ये कुछ ऐसा नहीं कर देगा कि कुछ बिना इंफॉर्मेशन दिए, या हो सकता है कोई टेक्निकल इशू होगा, है ना, हो सकता है कोई टेक्निकल मेंटेनेंस में कोई गड़बड़ी आ गई होगी, तो इसको जल्द ही सुधारा जाएगा और डेफिनेटली इसको ओपन किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी तरह से कोई घबराएं नहीं, अपना तैयारी जारी रखें और दूसरे के बहकावे में ना आएँ। अगर स्टे लगती है तो डेफिनेटली आपको मैं वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा, और मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं लगा है। और 29 अप्रैल 2019 का जो एक वित्त विभाग से लेटर आया है, उसमें बताया गया है कि सरकारी पदों पर भर्ती के लिए क्या लेना पड़ेगा, वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ये सही बात है, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही स्वीकृति मिलेगी पद की, ठीक है फ्रेंड्स। ये ठीक इसी प्रकार है जैसे कि हम स्कूलों में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देते हैं, तो वो तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो छुट्टी देते हैं नहीं, ठीक उसी प्रकार का मामला है इसमें। कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये सच है कि अभी वित्तीय समस्या छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वैकेंसी ना आए, लेकिन अगर जरूरी समझती है वित्त विभाग तो उसको डेफिनेटली उसको पद स्वीकृत करेगी और वैकेंसी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात, क्या लैब असिस्टेंट और जो शिक्षकों की भर्ती होने, क्या उस पर भी रोक लगी है? तो आप अगर देखें न्यूज़पेपर का, मैं प्रीवियस वीडियो में मैं साफ साफ उसमें बताया हूँ कि शिक्षा कर्मी और असिस्टेंट प्रोफेसर और लैब असिस्टेंट पर किसी तरह का कोई रोक नहीं लगा है। डेफिनेटली आप अपने तैयारी को जारी रखें और तैयारी करते रहें, और मुझे लगता है ये जो अभी साइट वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, ये किसी टेक्निकल इशू की वजह से हो सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर स्टे लगती है तो डेफिनेटली इस व्यापम के थ्रू या फिर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के थ्रू वेबसाइट के माध्यम से और पत्र के माध्यम से आपको सूचित करवाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप डेफिनेटली अपना तैयारी जारी रखें, और कुछ ही समय में या टाइम कितना इसको ओपन करने में लग सकता है इसकी मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट जल्दी ही ठीक हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी जारी रखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का घंटा जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोज डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।